नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं घोसी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 यानी मझवारा मोड़ पे, और पीछे एक शख्स हैं जो छाता लगा के खड़े हैं, तो हमें अपना परिचय बताएं आप। मेरा नाम उद्देश्य पांडे है, मैं इस वार्ड नंबर 5 मिर्जा जमालपुर पूर्वी का सभासद पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा ये चुनाव निशान छाता है। अच्छा, ये छाता इसलिए लगा के आप खड़े हुए हैं? बिल्कुल जी, इस छाते के द्वारा ही हम समाज को और ये सपने वार्ड को विकास के जो पथ पे है उसको अग्रसर करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। क्या माना जाए, जैसे आप छाता लगा के निकले हैं तब बारिश हुई है कि बारिश होने लगी है तब आप छाता लगा लिए हैं? नहीं नहीं, जब ये मुझको छाता मिल गया है, भगवान की ये देन है कि भगवान ने मुझे अपने चुनाव चिन्ह के द्वारा छाता दे कर भेजा है कि जाओ और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में विकास रुक चुका है, उस विकास को आप करें। इस छाते के माध्यम से आप समाज को आगे बढ़ाएं। क्या माना जाए, वार्ड नंबर 5 संख्या में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं से एक सभासद हैं वो भी लड़ रहे हैं, कई ऐसे सभासद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जी। आप कुछ क्या सोचे हुए हैं वार्ड नंबर 5 के लिए? जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप अभी कहीं भी देखेंगे, आप अगर अपनी निगाहें दिखाएं फैलाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा कहीं ना कहीं हर जगह कूड़ा कचड़ा फेंका हुआ है, कोई व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे आप कहीं भी देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई है, अभी वार्ड में घूम लीजिए, हर जगह नालियों में से पानी बाहर आ चुका है। लोगों को कहीं पे अपना अगर इधर उधर जा रहे हैं तो बच बचा के जाना पड़ता है कि वो कहीं फिसल के गिर ना जाए। तो उन सभी चीज़ों को और जो विकास यहाँ रुक चुका है, ये जो समाज में विकास रुक चुका है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम इस छाते के माध्यम से करेंगे। देखिए, चुनाव के समय वादे लोग बहुत करते हैं, चुनाव बीतते ही सभी लोग भूल जाते हैं, इसको आप कैसे करेंगे? नहीं तो ये वादा नहीं है, ये जनता का जो स्नेह और प्यार हमें इस छाते के माध्यम से और जनता का जो प्यार और सम्मान हमें मिलेगा, उसके द्वारा ही हम समाज को अपने उसके रूप में देने का काम करेंगे विकास। उद्देश्य जी, अगर देखा जाए, युवा है, यंग है, एकदम शुरुआत है आपको, देखा जाए आपने राजनीति क्यों चुना है, हमको पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो राजनीति, देखिए आज समाज में लोग हर परिवार से आप देखें तो लोगों की सबकी चाह होती है कि हमारा लड़का IAS बने, हमारा लड़का PCS बने, हमारा लड़का डॉक्टर बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हमारा लड़का नेता बने। जब हम युवा अगर आगे आएंगे, अपने चढ़ बढ़ कर आगे आएंगे, तो समाज को एक दिशा मिलेगी। लोग कहते हैं कि वो नेता गलत है, वो आदमी गलत है, वो नेता गलत नहीं है। अगर आप अच्छे नेताओं को चुन के ले जाएंगे, वहाँ आके लाके आगे खड़े करेंगे, समाज अगर युवाओं के अपने तरफ अग्रसर करेगा तो वो समाज निरंतर ही विकास करेगा और बदलाव करेगा। ये अपील क्या करना चाहेंगे आप वार्ड नंबर 5 के लोगों से? मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी वार्ड नंबर 5 की सम्मानित जनता, हमें इस छात्र जो चुनाव निशान मिला है, 11 तारीख को आप सभी अधिक से अधिक संख्या में युवा प्रत्याशी उद्देश्य पांडे के चुनाव चिन्ह छाता पर भारी से भारी मतों में बहुमत अपना मत प्रदान करें और वार्ड के विकास के लिए मत प्रदान कर विजयी बनाएं। तो ये थे उद्देश्य पांडे जी, और इनका कहना है कि विकास करें। ठीक है, उनके समर्थक हैं, वो तो बोलेंगे ही।